नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी एक बार फिर पहली बातें पे। दोस्तों बात करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 13, जहां पर मचा हुआ है घमासान। मैंने जो कि पिछली वीडियो में आपको बताया बहुत ज्यादा क्लियरली कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, आप भी डिसाइड कर लो। जहां पर कुछ चीजें सिद्धार्थ शुक्ला की सही नहीं थी, पर कुछ चीजें जो हुई है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों यहां पर ये सारी चीजें तो थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा बवाल होने वाला है आज, जहां रश्मि देसाई कैरेक्टर की बात करती है, सब लोग भाई लड़कियों के फेवर की बात करती है। जब बात शहनाज की आ रही है तो लड़कियां खुद उनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं, क्वेश्चन मार्क कि भाई ऐसे ऐसे शब्द। आई एम सॉरी ब्रदर, आप लोग रात को एपिसोड देख सकते हो, आई कांट से दैट, इवन जिसके ऊपर बीप नहीं लग रहा है, लेकिन सच बता रहा हूं, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है कि यार आप किसके साथ क्या कर रहे हो, किसके साथ क्या नहीं कर रहे हो। पर एक चीजें जो मुझे गलत लग रही है कि यार कुछ लड़कियां हैं जो बार बार चिल्लाती रहती है, गर्ल्स का सपोर्ट, गर्ल की इज्जत सब, अब कहां मसला नहीं खड़ा हो रहा है यार, अब क्यों इज्जत नहीं आ रही है? आप खुलेआम एक लड़की को बेइज्जत कर रहे हो सिर्फ एक टास्क जीतने के लिए, तो आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा गलत है। सबने सिद्धार्थ शुक्ला को बोला कि गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उन्होंने बहुत प्यारा एक चीज बोला था, वही शब्द जो यूज किया जा रहा है शहनाज के खिलाफ, सोने का। सिद्धार्थ शुक्ला ने क्लियर बोला, आई हैव नॉट यूज्ड नेम पारस, पर वहां पर देबोलीना ने भाई तो पूरा एडिशन डिलीशन करके अपना एजम्पशन लगा के ले लिया कि भैया नहीं वो होता है। उनके सिद्धार्थ शुक्ला का कहने का मतलब सोने का था कि जो तुम एक ही ग्रुप में रहते हो, एक ही साथ सोते हो, खाते हो, बातें हो, बात करते हो, पीते हो, द इंटेंशन वॉज दैट, एक समझने की कोशिश। पर अगर आपको किसी के प्रति इतनी नेगेटिविटी भरी है तो यू कांट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से गेस करोगे। कभी कभी मुझे मायरा शर्मा और शेफाली बग्गा ऐसे दिखती हैं कि थोड़ा सा वो न्यूट्रल है, थोड़ा समझ रहे, पर नहीं, जब सिद्धार्थ शुक्ला की बात आती है तो मायरा शर्मा पूरी तरह नेगेटिव हो जाती है, जो दो हफ्ते पहले की टॉपिक उठाकर आती है और नॉमिनेट करती है। हालांकि उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज आप में सिद्धार्थ डे पारस है, जो दोनों आप नहीं करने वाले, तो आपके सामने असीम और ये सिद्धार्थ बसते हैं, असीम आपके फ्रेंड आप समझती हो तो उनको करोगे, नहीं तो बसते सिद्धार्थ शुक्ला आप कर सकती हो। पहला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि भाई तीनों के साथ मेरा कनेक्शन है और इसलिए, तो ये सारी चीजें ठीक है दोस्तों, क्लियर दिखती है, पर जिस हिसाब से कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, द वे यू आर प्लेइंग अ गेम सीरियसली, जिस हिसाब से पारस एंड सिद्धार्थ डे बैक स्टेप पे जा रहे हैं, पैथेटिक है। मैं इस बार का वीकेंड का वार देखना चाहूंगा, सीरियसली मुझे जानना है कि सलमान खान किस तरीके से होस्ट करते हैं और क्या बात करते हैं, बिकॉज ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर आज भी इस शनिवार भी नहीं बोला जाता कि जिस तरीके से वो दिख रहा है गैंग अप, या जिस तरीके से देखा जाए कि यार मतलब अभी तो रसोई में ये चीज होना था दोस्तों, जब दो टीम बनती है ना, तो एटलीस्ट एक चीज था, एक स्टैंडर्ड सेट किया था बिग बॉस में कि भाई कितना भी लड़ाई हो जाए लेकिन रसोई का बंटवारा नहीं होगा। पर इस समय अभी तो एक महीने भी पूरे नहीं हुए और बंटवारा रसोई का हो गया है, बट वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ पारस एंड रश्मि, डू यू थिंक? अगर आपको लगता है ये गलत बोल रहा हूं मैं, तो दोस्तों एक बार आप ऑब्जर्व करो, बहुत ही ज्यादा क्लियरली है कि एक ढीठ पना बोलते हैं ना कि नहीं वो अभी फ्रिज में गया है पानी लेने, मैं भी जाऊंगा पानी लेने, मतलब एक ढीठ पना, जिद्दी पना, मैं ही हूं, एटीट्यूड, ईगो, ये सारी चीजें अब दिखने में आ रही हैं। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी टीम, बट फ्रेंकली अगर आप क्लियरली देखने जाओ पिक्चर, मैं अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन वहीं पर क्वेश्चन मार्क। अगर आप रोज डे का एक टास्क देखोगे, बोलोगे यार रश्मि ने बहुत ज्यादा फेयर किया, पर मैं आपको बता दूं कि जब अगर बात पहले की थी तो पहले भी असीम ही पहुंचा था, जो शेफाली बग्गा ने क्वेश्चन मार्क और सिद्धार्थ डे ने क्वेश्चन मार्क उठाया था कि भाई ऐसे तो उठा के लेके भाग जाते और फिर आते, यू नो, तो ये चीज था। लेकिन इस बार असीम रियाज ने मौका भी नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं तीनों था ऐसा, बट लेटेड भी दोस्तों जो है आपके सामने है और आज शाम को एपिसोड होने वाला है, जो आप डिसाइड करना चाहते हो आप भी लिखो कमेंट बॉक्स में, एंड सीरियसली शेयर करो, हम लोग बहुत जल्दी ये वीकेंड का वार होगा तो एक बार लाइव सेशन पे आएंगे और हम लोग बात करेंगे कौन सही है, कौन गलत है, कौन है सबसे आगे। तो चलो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माई चैनल एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।